निर्देश दिया है कि जो भी संभव सहयोग है रेल मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, हमने आज सुबह ही चेयरमैन रेलवे बोर्ड से उनसे अनुरोध किया, उनका सहयोग लिया, यहाँ के DRM साहब और सभी DRM जो पूरे प्रदेश में अन्य अन्य स्थानों पर हैं, सबका सहयोग लिया और रेल विभाग के साथ एक तरह से कह लीजिए जो एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन जो है वो इंश्योर करके 100 ट्रेन का जो है लक्ष्य आज का पूरा किया है। ये एक रिकॉर्ड पूरे देश के लिए है। आज तक 1044 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ गई हैं, आ रही हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो दोनों रिकॉर्ड को पूरा किया है। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जितनी जल्दी हो सके हमारे जो श्रमिक और कामगार अन्य प्रदेशों में हैं उनको निःशुल्क जो है अन्य प्रदेशों से यहाँ लाया जाए। हमारे प्रदेश में लगभग 12,000 से अधिक रोडवेज की बसें चल रही हैं, अनुबंधित बसें चल रही हैं। इन बसों से सभी श्रमिकों को ट्रेन से लेकर क्वारंटाइन सेंटर से गांव तक, होम क्वारंटाइन तक लिया जा रहा है। एक एक जिले को 200-200 प्राइवेट निजी वाहन, निजी बस भी जो है अधिकृत करने का अनुमति दी गई है। कुल मिलाकर 15,000 निजी बसों की व्यवस्था भी कर दी गई है। कहीं भी प्रदेश में कहीं भी किसी भी रूप में किसी को पैदल न चलने दिया जाए, ये व्यवस्था की गई है। आपने सब देखा होगा पिछले 2-3 दिन में जो ये ट्रेन्स की संख्या बढ़ी है, इनके आधार पर बहुत सारा जो है ट्रैफिक जो कहीं ना कहीं प्रयास ये कर रहा था कि वो पैदल चले, उनको सबको अपने अपने जहाँ जहाँ वो पाए गए बॉर्डर पर, जहाँ वो अन्य प्रदेशों से आए, उनको व्यवस्थित रूप से बस और ट्रेन के माध्यम से पूरे प्रदेश में अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रदेश में गाजियाबाद से, नोएडा से, सहारनपुर से, झांसी से, मथुरा से, प्रयागराज से, कानपुर से, अलीगढ़ से, मुरादाबाद से भी ट्रेन चलाकर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों में जहां हमारे मूलतः श्रमिक और कामगार जहां के हैं वहां भी ट्रेन चलाकर उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के अंदर इतनी भारी संख्या में ट्रेन चलाने वाला भी हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, जहां ये रिकॉर्ड स्थापित किया गया है।